मध्य प्रदेश की धरती पर विदेशी चीता आने के बाद अब जिराफ और जेब्रा भी आएंगे। भोपाल के वन विहार के मास्टर लेआउट प्लान को जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गई है। वहीं वन विहार मैनेजमेंट ने सरकार से प्रोजेक्ट के लिए 1.5 करोड़ रुपए भी मांगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जू अथॉरिटी और सरकार से प्रोसेस पूरी होने के बाद जिराफ और जेब्रा लाने के प्रोजेक्ट में और तेजी आएगी। वन विहार मैनेजमेंट ने करीब 8 महीने पहले जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा था। वही वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह भी अफ्रीका से जिराफ जेब्रा लाने की बात कह चुके हैं, इसलिए प्रोजेक्ट में और तेजी आई। वन विहार की डायरेक्टर पद्मप्रिया बालकृष्णन ने बताया कि मास्टर लेआउट प्लान को अप्रूवल मिल गई है। जू अथॉरिटी के निर्देशानुसार आगे की प्रोसेस की जा रही है। बता दें कि वन विहार में शेर, बाघ, भालू, लोमड़ी, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा समेत अन्य जानवर है, जिनके दीदार के लिए बड़ी संख्या में रोजाना टूरिस्ट पहुंचते हैं। अगले कुछ महीनों में उन्हें जेब्रा और जिराफ के भी दीदार हो सकेंगे। वन विहार देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो किसी राजधानी के बीचों बीच है। 26 जनवरी 1983 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। वन विहार बड़े तालाब के पास पहाड़ियों आसपास के 445.21 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर बना है। हर साल यहाँ 1.5 से 2 लाख पर्यटक आते हैं, इसलिए जिराफ और जेब्रा के लिए इसे बेहतर माना जा रहा है। वन विहार में बबूल की प्रजातियों की पत्तियां, फल और फूल के पेड़ पौधे भी हैं, इसलिए यह जिराफ जेब्रा के लिए अनुकूल माना गया है। वॉइस एमपी की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।